हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम अपना कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले, बट वो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चे जो कि 6th सेमेस्टर में हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे, तो उसका मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। बच्चों को यही कन्फ्यूज़न है कौन सा चैप्टर अपलोड है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमें कहाँ से करना है, किसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो चेक कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर, फ्लूइड डायनेमिक्स का आपका सेक्शन 2nd और 4th और ऑपरेशन रिसर्च का सेक्शन 1st अपलोडेड है। टोपोलॉजी का कोई सेक्शन अपलोड नहीं है, बट टोपोलॉजी का सिलेबस कहाँ से करना है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से कनेक्ट हो जाओ कि कौन से चैनल से आपको कौन सा सेक्शन या कौन सा टॉपिक करना है अपना। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी PDF मैंने मैथोपीडिया वाले जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपलोड कर दी है, उस पर सेंड कर दिए हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और जिन भी बच्चों को डाउट था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस कब आने वाली है, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। अभी फ़िलहाल बीटा एंड गामा फंक्शंस चल रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के काफ़ी बच्चों को डाउट थे कि चैप्टर कौन कौन से अपलोडेड हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूँ, लीनियर अलजेब्रा का देखो, लीनियर अलजेब्रा क्या है, अब आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख चुके हो, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में, तो वो चीज़ें मैं यहाँ रिपीट नहीं करने वाली, खाम का आपका टाइम वेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखी स्ट्रेटेजी वीडियोज़, तीनों सब्जेक्ट की अपलोडेड है, लीनियर अलजेब्रा, डायनेमिक्स और हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तीनों के अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अब देखो, रियल एनालिसिस का जो चैप्टर 1st है वो पूरा अपलोडेड है अप टू एंड, उसकी कोई फर्दर वीडियो अपलोड नहीं होने वाली। अब इतना ही चैप्टर है, वो पूरा का पूरा अपलोड हुआ हुआ है। नीचे आपको इस वीडियो के नीचे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैंने एक पोस्ट भी अप डाली है, उसके अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिस जो जो भी चैप्टर्स अपलोडेड है। प्लस 3-4 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने सारे लिंक सेंड कर दिए थे, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद चैप्टर टू आपका डायमेंशंस के एग्जाम्पल तक अपलोडेड है, और ये मोर देन इनफ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप सिलेक्शन नहीं करें, पूरा ही आपको 1st, 2nd, 3rd चैप्टर करना है, तब सफिशियंट नहीं है, तब तो आपको पूरा करना होगा चैप्टर 2। अदरवाइज 11 वीडियो अपलोडेड हैं चैप्टर 2 की, और वो मोर देन इनफ है अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो। अगर आप फर्दर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा आएगा, तब भी वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस की टॉपिक कर लिया, डायमेंशंस के आगे फर्दर हमने एग्जाम्पल्स भी किए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी 11 वीडियो अपलोडेड है, 11 से अगर आपने कम देखी है, तो अब मैंने 10th और 11th वीडियो पहले मैंने प्लेलिस्ट के अंदर नहीं डाल रखी थी, वो भी आप डाल दिया, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर 3 क्योंकि सिलेक्शन के अंदर नहीं है, तो अभी अपलोड नहीं हुआ हुआ। चैप्टर 4 पर आते हैं, इसकी सिर्फ एक वीडियो रहती है, वो भी एग्जांपल्स की है। ठीक है, और एग्जांपल्स इतने इजी हैं, वो आपसे वैसे ही हो जाएंगे अगर आपने बाकी वीडियोस देख ली हैं। तो इसकी वीडियो अभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैं अपलोड कर लूँगी। अगर आपको इसकी एग्जांपल्स की वीडियो 4 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज है उसकी चाहिए, तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, जस्ट बीटा एंड गामा फंक्शंस के बाद मैं अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ फोरियर सीरीज़ कम्प्लीट करने के बाद ही अपलोड होंगी। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर 5 और 6 हैं वो पूरे के पूरे कम्प्लीट अपलोडेड हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चैप्टर 5 और 6 कम्प्लीटली अपलोडेड है, कौन सा करना है, कौन से सेक्शन के लिए कौन सा चैप्टर करना है, ये सब स्ट्रेटेजी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो जिन बच्चों को ये डाउट था कौन सा चैप्टर कम्प्लीट अपलोडेड है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को रहता है जो पूरा चैप्टर अपलोड हो वही देखेंगे, तो चैप्टर 1, 2nd, 5th, 6th कम्प्लीट है। कम्प्लीट मतलब जितना आपको करना है उतना है,
चैप्टर टू पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चैप्टर लंबा है, कंफ्यूज हो जाओगे, डायमेंशंस तक कर लो, जैसा एडवाइस करूँ ऐसा मान जाओ। काफ़ी बच्चों के आपने रिव्यूज़ भी देखे होंगे, कमेंट्स भी आपको दिखते होंगे, जैसी मैं एडवाइस देती हूँ उसी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आ जाता है। GJU यूनिवर्सिटी है, उनका नहीं आता क्योंकि उनकी बुक्स काफ़ी डिफरेंट हैं जीवन सिंह से, बट उनका सिलेबस पैटर्न काफ़ी अलग है। KU, MDU, CDLU, CRSU इन चार यूनिवर्सिटीज़ का सेम है, और भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है मे भी उनका भी सेम हो, बट मुझे इन चार का ही पता है कि इन चारों का तो पक्का यही बुक्स हैं जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो लीनियर एल्जेब्रा का आपको पता चल गया। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स का सेकंड चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शंस वाला पार्ट पूरा अपलोडेड है कंप्लीट, गामा फंक्शंस और 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3-4 वीडियो ही इसकी और आनी है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक कवर कर रही हूँ हर वीडियो के अंदर, क्योंकि इसका जो है टॉपिक वाइज ही बनता है। ऐसे अगर पूरा का पूरा एक साथ अपलोड कर दिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी इजी है ये चैप्टर। ठीक है, 4-ईयर सीरीज, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं कर रहे हो, जस्ट आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, 4-ईयर सीरीज से कंप्लीट सेक्शन बनता है, तो दो क्वेश्चन बन रहे होंगे, एक ऊपर का एक नीचे का। ठीक है, तो नीचे वाले में 4.3 के टॉपिक्स आएंगे, ऊपर वाला 4.12 तक बन जाता है, या फिर मैंने आपको एक टॉपिक और कराया था चेंज ऑफ इंटरवल, वहाँ तक तो बन ही जाता है। अदरवाइज बाकी एग्जांपल्स भी आपको ट्राई करना। साइन को साइन सीरीज़ में है ही क्या, एक फॉर्मूला ही तो है अलग से, तो उसको आप एक बार सेल्फ ट्राई करके तो देखो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जितना मैंने आपको करा दिया है 4-ईयर सीरीज, उससे आपका कंप्लीट सेक्शन भी बन जाएगा एक बार। अब बाकी के टॉपिक्स पढ़ के देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बीटा एंड गामा फंक्शंस के बच्चों ने ज़्यादा कमेंट्स कर रखे थे, इसलिए पहले मैंने उसको अपलोड करना शुरू कर दिया, क्योंकि बीटा फंक्शंस ऑलरेडी अपलोडेड था बच्चों का, था कि गामा फंक्शन भी अपलोड कर दो, सो डैट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जेकोबियंस वाला चैप्टर आपको कहाँ से करना है और डायनेमिक्स आपको पूरी कहाँ से करनी है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने लिंक शेयर कर रखे हैं, अदरवाइज आप कहोगे तो यहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर भी बता दूंगी। जिस भी बच्चे को डाउट हो कि डायनेमिक्स या जेकोबियंस चैप्टर कहाँ से करना है, मैं बता दूंगी, कमेंट्स के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमारे पास चैप्टर्स कंप्लीट हैं। चैप्टर 4 की सिर्फ एक वीडियो रहती है, वो भी अगर आप बाकी रिमेनिंग जितनी अपलोडेड है उतनी देख लोगे तो ये एक वीडियो में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बीटा गामा फंक्शंस का बीटा फंक्शन कंप्लीट है, और जेकोबियन चैप्टर जिसने बच्चे ने खुद करके देखा होगा, मेरे ख्याल से उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिर्फ डिटरमिनेट्स निकालने उसमें है ही क्या। चैप्टर 1 मोस्ट इजी चैप्टर है इस बुक का, बीटा फंक्शंस इजी, गामा फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है कंपैरेटिवली। ठीक है, 4-ईयर सीरीज कर लेना, लेंथी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेंगे, स्पीड होनी चाहिए 4-ईयर सीरीज के क्वेश्चन। इतना कर लो पहले, यहाँ 4-ईयर सीरीज तक अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पर आएंगे। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैंने आपको यही बताना था कि किस तरीके से जो बच्चे कंफ्यूज थे किन चैप्टर्स की वीडियो है किन चैप्टर्स की नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया, अदरवाइज जितने भी आपके पास जो मैं लिंक शेयर करती हूँ बाकी भी चैप्टर्स के जो मैंने अपलोड नहीं करे थे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो डायनेमिक्स पूरे के पूरे कंप्लीट, जहाँ जहाँ से आपको जो जो से चैप्टर करना है सब मैंने वहाँ पर शेयर कर रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है कि कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं और कहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं, या स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखी तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, सो डैट जो भी बच्चों का लॉकडाउन के कारण सिलेबस रुका हुआ है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से नहीं लग पा रही है कॉलेज के अंदर, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, लीनियर एलजेब्रा अच्छे से कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एंट्रेंस के टाइम पर भी काम आएगी, अगर आप MSc मैथ से एंट्रेंस देना चाह रहे हो कहीं का भी, आगे भी CSIR NET की तैयारी करते हो, IITJM की तैयारी करते हो, NVHM की तैयारी करते हो, गेट की तैयारी करते हो, लीनियर एलजेब्रा तो हर सिलेबस मतलब हर बुक के सिलेबस में ही है। सो जितने चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं पहले उनको कर लो, मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो आप,
कौन से चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए ये भी आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, सो डैट फर्दर वीडियोज़ उसी के अकॉर्डिंग अपलोड हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट. हैव अ नाइस डे.